Today we are going to discuss about some important carbon compound like ethanol and ethanoic acid. आज हम लोग डिस्कस करेंगे एथेनॉल के बारे में कि एथेनॉल क्या है या एथिल अल्कोहल क्या है. एथेनॉल इज ए IPAC नेम एंड एथिल अल्कोहल इज ए कॉमन नेम. एथेनॉल इज सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल. एथेनॉल इज सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल. एथेनॉल हमारा हो एल्कोहल का सेकेंड मेंबर है. फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कोहल इज मेथेनॉल एंड सेकेंड मेंबर ऑफ एल्कोहल इज एथेनॉल. तो एथेनॉल के बारे में हम लोग जानेंगे कि एथेनॉल कैसे बनता है. इथेनॉल को बनाने के लिए ओल्ड प्रोसेस हमारा है फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट का जब हम लोग फर्मेंटेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के फर्मेंटेशन के द्वारा एथिल एल्कोहल या एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है. जैसे C12H22O11 दिस इज सुक्रोज या केन सुगर प्लस H2O हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिड के प्रेजेंस में C6H12O6 प्लस C6H12O6 ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होगा. अगेन ग्लूकोज को हम जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन कराएंगे C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जाइमेज. ये जाइमेज नाम के एंजाइम होते हैं. इसके प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होगा ये बनेगा आपका C2H5OH एथेनॉल एंड रिलीज 2 मोल ऑफ CO2. फॉर्मेशन हो गया किसका? एथिल अल्कोहल या एथेनॉल का. इसको हम लोग केन सुगर के द्वारा हम लोग प्राप्त कर लिए क्या? एथिल अल्कोहल. या इसको हम लोग ओल्ड प्रोसेस बोलते हैं फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या मोलेसिस. मोलेसिस का मतलब होता है केन सुगर, जूस ऑफ केन सुगर. गन्ने के रस को हम लोग कहते हैं मोलेसिस. उसी को फर्मेंटेशन के द्वारा में सड़ा करके उसको हम लोग एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन किया जाता है. अब इस एथिल एल्कोहल की जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. एथिल एल्कोहल इज ए कलरलेस लिक्विड. बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन. फिजिकल प्रॉपर्टी अगर इसका देखा जाए, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एथिल एल्कोहल, इट इज कलरलेस लिक्विड. बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन. एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ C2H5OH. इसको ध्यान देना है केमिकल प्रॉपर्टी को. फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विथ सोडियम मेटल के साथ अगर एथिल अल्कोहल रिएक्ट करेगा C2H5OH रिएक्ट विथ सोडियम मेटल टू फॉर्म C2H5ONa एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस.
हाइड्रोजन गैस निकलती एथिल एल्कोहल में जब हम सोडियम मेटल ऐड करेंगे तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। और जो मेन प्रोडक्ट बनता है इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड बोलेंगे, सोडियम एथॉक्साइड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद एसिटिक एसिड इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, या इसी को हम लोग बोलते हैं दिस प्रोसेस इज नोन एज एस्टरीफिकेशन प्रोसेस। C2H5OH मीन्स एथिल एल्कोहल रिएक्ट विद CH3C00OH, CH3C00OH एस्टिक एसिड या एथेनोइक एसिड इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा, ये बनेगा आपका C2H5 सी डबल बॉन्ड ओ एंड CH3। दिस इज एस्टर और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एस्टरीफिकेशन बोला जाता है। तो अगर एसिड से रिएक्ट करेगा एल्कोहल तो बनाएंगे क्या? एस्टर। इस दिस प्रोसेस इज नोन एज एस्टरीफिकेशन। इस प्रोसेस को हम लोग एस्टरीफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या ऑक्सीडेशन ऑफ एथिल एल्कोहल। CH3CH2OH रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड CH3CH2OH इज एथिल एल्कोहल रिएक्ट विथ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन हीटेड टू फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड रिलीज वाटर मॉलिक्यूल, ये इथीन का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर हमको एथिल एल्कोहल से इथीन बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? डिहाइड्रेशन कराते हैं। इस प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन बोलेंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल किसके प्रेजेंस में हो रहा है? तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड किसका काम कर रहा है? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मीन्स एल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल को निकालना है। निकाल करके मेन प्रोडक्ट क्या बना है? एल्कीन बना है। इस एल्कीन का नाम क्या होगा? इथीन होगा। अगला रिएक्शन है एल्कोहल का ऑक्सीडेशन ऑफ C2H5, ये हम लोग पढ़ चुके हैं CH3CH2OH ऑक्सीडेशन कराएंगे हम लोग किसके प्रेजेंस में? तो एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट या HD5K2Cr2O7 के प्रेजेंस में। एल्कोहल कन्वर्ट होता है किस में? एसिड में, CH3C00OH में। तो ये हम लोग का रहा क्या? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एथिल एल्कोहल। उसके बाद
एथिल एल्कोहल का हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं? यूज ऑफ एथिल एल्कोहल, इट इज यूज एज ए सॉल्वेंट, इट इज यूज एज ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं। इट इज यूज एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट, लैब में हम रिएजेंट के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट यूज है, इट इज यूज एज एंटी फ्रीज फॉर ऑटोमोबाइल रेडिएटर वाटर। बायोलॉजिकल स्पेसमैन में भी इसको यूज हम लोग करते हैं। उसके बाद फ्यूल के रूप में हम लोग यूज करते हैं इसको। इट इज यूज एज ए फ्यूल, इट इज यूज एज ए सॉल्वेंट, इट इज यूज एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट, इट इज यूज एज ए प्रिजर्वेटिव ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसमैन। तो ये रहा हम लोग का एथिल एल्कोहल का प्रिपरेशन एंड इट्स प्रॉपर्टी एंड यूजेज। नेक्स्ट हम लोग का है, अगला कंपाउंड है एथेनोइक एसिड। तो अगले वीडियो में हम लोग एथेनोइक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे कि एथेनोइक एसिड क्या है और इसकी प्रॉपर्टी क्या है। थैंक यू।